हेलो स्टूडेंट्स होप यू आर डूइंग वेल आई विल बी योर टीचर फॉर दिस लेक्चर द टॉपिक नेम इज़ मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दिस इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास ट्वेल्थ यूनिट सिक्स इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं ओके ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन जो है इट इज़ दी फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन ये जीन एक्सप्रेशन का क्या है सबसे पहला स्टेप है इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या होता है दिस प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। इस स्टेप में क्या होता है जो आरएनए है वो कैसे बनता है द फॉर्मेशन ऑफ आर और वी कैन से एम आर एन जर आरएनए किससे बनता है डीएनए से बनता है सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यानी कि हम डीएनए मॉलिक्यूल से आरएनए बनाते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो कैसे है द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज फ्रॉम डीएनए टू डीएनए से क्या होता है डीएनए से आर और एम और एम से क्या बनते हैं एम से प्रोटीन्स बनते हैं सो दिस इज वॉट दिस इज द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन सो डी से एम कैसे बनता है बाई द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन किस प्रोसेस से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से और एम से प्रोटीन्स जो हैं वो किससे बनते हैं वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस से बनते हैं ओके है. okay. ये दोनों प्रोसेसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द चीन और जो डीएनए की जो ट्रांसक्रिप्शन होती है डीएनए से जो एमआरएनए बनता है उसमें एक एंजाइम सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आरएनए पॉलीमरेज सो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या है इट इज़ द मेन एंजाइम जो कि यूज होता है इन ऑर्डर टू डू व्हाट? इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री आर स्ट्रैंड ओके तो ये आर पॉलीमरेज क्या करता है ये सिंगल स्ट्रैंडर्ड डी को

ट्रांसक्रिप्शन uh, ट्रांसक्रिप्शन के तीन स्टेप्स हैं ओके लेट्स लर्न सबसे पहले इनिशिएशन में क्या होता है जो ये आरएनए एंजाइम है ये आरएनए पॉलिमरियस एंजाइम जो है सबसे पहले क्या करता है दिस और आरएनए पोलिमेरिस एंजाइम ये जाके बाइंड करता है कहाँ पे दिस आरएनए एन एंजाइम बाइंड प्रस को जिसको कि हम टाटा बॉक्स कहते हैं और वहां पर जाता है ये जैसे ही ये आर एन ए पॉलिमरेस यहाँ पे जुड़ जाता है साथ में ही क्या होता है एक फैक्टर होता है एक फैक्टर सिगमा भी वहां पे आता है जैसे ये आर एन ए पॉलिमरेस और ये सिग्मा फैक्टर प्रमोटर सीक्वेंस पे जुड़ जाते हैं तो ये क्या करते हैं दे ऑल्टर द स्पेसिफिकेशन ऑफ आर एन ए पॉलीमरेज टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आर एन पॉलीमरेज जो है ये अकेले अकेले ही इट कैनॉट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दिस आर एन ए पॉलीमरेज इट नीड्स वॉट द आर एन ए पॉलीमरेज नीड्स द फैक्टर सिग्मा आर फैक्टर और सिग्मा फैक्टर मिलके क्या करते हैं ये पूरी आरएनए एन की स्पेसिफिकेशन को ही चेंज कर देते हैं और जिसकी वजह से जो आरएनए एन है इट इज एबल टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन सो इनिशिएशन में हमारे पास आरएनए एन और सिग्मा फैक्टर जो है वो बहुत ही जरूरी है ओके mm तो -hmm. okay. so, mm -hmm. उसके बाद इनिशिएशन में यहाँ पे हम देख रहे हैं आर एन और सिग्मा फैक्टर और यहाँ पे हम देख रहे एक स्ट्रेच जो है आर का इट इज प्रेजेंट हेयर

क्या होगा यहाँ पे गोनिन होगा यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी होगा तो इलोंगेशन में क्या होता है जो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफोस्ट्रेट हैं वो सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करते हैं और जो चेन है वो बढ़ती जाती है ओके उसके बाद सबसे एंड में क्या होता है सबसे एंड में टर्मिनेशन होता है टर्मिनेशन के टाइम पे क्या होता है जो आर एन एंजाइम है इट एनकाउंटर्स ए फैक्टर कॉल्ड एज रो एक फैक्टर आता है जिसको कि हम रो फैक्टर बोलते हैं ये रो फैक्टर जैसे ही आर एन ए पॉलीमरेस रो फैक्ट जब आर एन ए पॉलीमरेस और रो फैक्टर मिल जाते हैं दो तो रो फैक्टर प्लस आर एन ए पॉलीमरेस जैसे ही आर एन ए पॉलीमरेज एनकाउंटर्स दिस रो फैक्टर तो आर एन ए पॉलीमरेज की क्या

तो ये जो नेसेंट uh, आरएनए है इट फॉल्स ऑफ ये नेसेंट आरएनए फॉल गिर जाता है और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाता है सो दिस इज इन नचल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप ट्रांसक्रिप्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन द थ्री स्टेप्स सबसे पहला है इनिशिएशन सबसे पहले क्या होता है जो हमारा आर एन ए है वो बाइंड करता है प्रमोटर सिक्वेंस पिक्स के पास जाके और वहां है, है, है पूरी की पूरी जो मॉलिक्यूल है उसकी आरएनए की स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाती है एंड इट इज एबल टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन उसके बाद दिस आरएनए एन इट यूजेस न्यूक्लियोटाइड ट्राइपोस्ट्रेट सब और पॉलिमराइजेशन होती है अकॉर्डिंग टू दी वैसे ही क्या होता है जो स्पेसिफिकेशन है आर एन ए पोलिमेरे चेंज हो जाती है एंड इट इज नो लॉन्गर एबल टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ टर्म ट्रांसक्रिप्शन एज ए रिजल्ट ऑफ विच दिस प्रोसेस स्टॉप और ये नेसेंट आरएनए जो है ये जुड़ा रहता है पॉली आरएनए ए एंजाइम के साथ और जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है दिस नेसेंट आरएनए फॉल्स ऑफ सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आई होप यू अंडरस्टुड द एक्सप्लेनेशन थैंक यू